नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। बात करेंगे इसराइल और ईरान के बीच जारी जंग की। मिडिल ईस्ट में माना जा सकता है कि इसराइल और ईरान के बीच लगभग जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। अब इन दोनों के बीच जारी जंग की वजह से दुनिया का दो हिस्सों में बंटना लगभग तय है, जिसमें कुछ देश इसराइल के समर्थन में हैं तो कुछ ईरान की ओर। और दिलचस्प यह है कि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और ईरान के साथ रूस। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के ताकतवर मुस्लिम देश किसके साथ हैं, जिनमें सऊदी अरब, टर्की, इराक, कतर, सीरिया जैसे देशों का नाम प्रमुख है। तो अब चलिए समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच किस देश को किस मुस्लिम देश का सहयोग मिल रहा है। शुरुआत करते हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब के इसराइल के साथ संबंध ना बहुत कड़वे हैं और ना ही बहुत ही ज़्यादा मधुर। जहां एक तरफ वो इसराइल के हमले की निंदा करता है और युद्ध विराम की अपील करता है, तो वहीं वो उन देशों में शामिल है जिसने अप्रैल में ईरान के हमले की योजना की जानकारी इसराइल को दी थी। सऊदी और ईरान मध्य पूर्व की मुख्य सुन्नी और शिया शक्तियां हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कतर की। कतर इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हालांकि कतर ने मारे गए हमास नेता इस्माइल हानिया को भी शरण दिया था। ईरान के साथ उसके संबंध मधुर हैं, जो इसराइल को नापसंद है। बात जॉर्डन की। सऊदी अरब की तरह जॉर्डन भी बैलेंस बनाने की भूमिका में है। जॉर्डन एक ओर गाजा को सहायता भेजता है तो वहीं दूसरी ओर वो इसराइल के साथ राजनयिक संबंध भी बनाए रखा है। इसराइल के साथ उसने 1994 में शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था। बात अब इजिप्ट की। 1979 में ऐतिहासिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से इसराइल और उसके बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर है। हालांकि इजिप्ट ने स्पष्ट रूप से किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है, लेकिन 6 मई की घटना के बाद से इसराइल के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। बात करते हैं सीरिया और इराक के। ये दोनों देश एक समय क्षेत्रीय शक्तियां थे। यहां पर ईरान समर्थित आतंकवादी गुटों का घर है। इनमें वो संगठन है जिन्होंने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दर्जनों हमले किए हैं। इराक के कई गुटों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इसराइल पर ईरानी हमलों का जवाब देता है तो ऐसे में वो उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वे इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। बात करते हैं अब टर्की की। टर्की के इसराइल के साथ कभी मधुर संबंध थे, लेकिन हाल के वर्षों में राष्ट्रपति एर्दोगन इसराइल के मुखर आलोचक रहे हैं। गाजा युद्ध के बाद से तुर्की ने हमास के साथ गर्मजोशी भी दिखाई और कई घायल फिलिस्तीनियों को इलाज के लिए हवाई मार्ग से भेजा। इस साल की शुरुआत में टर्की और इसराइल के बीच तनाव भी बढ़ गया था, जब अंकारा यानी तुर्की ने मोसाद के 30 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। अब तमाम मुस्लिम देशों की तरफ से इसराइल और ईरान को मिल रहे समर्थन से साफ है कि मुस्लिम देश भी फिलहाल युद्ध की स्थिति में बैलेंस की भूमिका में है, जिसकी वजह से ईरान आने वाले वक्त में अलग थलग भी पड़ सकता है, क्योंकि इन देशों का समर्थन ही उसे और मजबूत बनाता है।